इससे पहले वाली वीडियो में मैंने त्रिभुज के जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो आपको बताए। दो जरा रह गए, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बहुत पूछे जाते हैं ये, ठीक है? बहुत बारी पूछा जाता है और कंफ्यूज भी हो जाते हैं बहुत सारे लड़के इसमें, ठीक है? और आसान है बहुत, ठीक है? तो इसको करते हैं, 2 मिनट का काम है, बस अभी करते हैं, ठीक है? सबसे पहले आपको बताया था मैंने, ठीक है, ये वाला त्रिभुज आपने देखा था कि अगर किसी त्रिभुज को कोई लाइन काटती है 20 से, तो उसमें हम नंबर लिख देते हैं और हमारा उसे जोड़ देते हैं तो उतने त्रिभुज होते हैं 3, ठीक है? सेम। और इस पे थोड़ा अलग हो गया, इसको 20 से भी काट रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है? तो सबसे पहले इस त्रिभुज को उठा के देखते हैं हम, ये कहाँ पे बन रहा है हमारे, इस तरह से, ठीक है? यानी कि यहाँ पे 1 और 2, ठीक है? सेम वही करना है, नंबर रखने हैं हमने, ठीक है? 1 और 2 इधर हो गए, सेम 1 यहाँ और 2 ये, ठीक है? सेम 1 और 2। अब हम इन्हें जोड़ देंगे अलग अलग, पहले इन दोनों को जोड़ देते, 3, ठीक है? 3 इधर हो जाएगा, ये भी सेम 3, ये भी सेम 3, तीन तीन त्रिभुज ये हो गए। अब इसके अलावा अब इन कोनों से हम देखोगे, ठीक है? यहां से आप देखोगे 2 त्रिभुज है, ठीक है? एक ये वाला हो गया हमारा और एक ये वाला हो गया, तो कितने हैं? 2। यहां से 2 है तो सेम ऊपर से भी 2 हो जाएगा और इधर से भी 2 हो जाएगा, तो जोड़ देंगे सबसे पहले, ठीक है? 3 3 को 3 3 6 9, 2 4 6, और प्लस एक जो सबसे बड़ा त्रिभुज है हमारा, ठीक है? ये पूरा जिसके अंदर ये सारे हैं, ठीक है? एक ये हो जाएगा हमारा, तो आंसर आ जाएगा 16। इसके अंदर है 16 त्रिभुज, ठीक? इसी तरह से करना है, थोड़ा ध्यान रख के यार, ठीक है? सेम इसमें भी वही हो जाएगा, नंबर रख देंगे, सबको पता है सबसे पहले नंबर रखने का काम करना है हर किसी में, थोड़ा ट्रिक अलग अलग होती है, ठीक है? 5 प्लस, अभी इसमें और भी त्रिभुज है। अब 5 तो ये हो गए, और जितनी जो हमारी संख्या आई है ठीक उसके 2 गुने कर देंगे और इसके भी त्रिभुज आ जाएंगे, सॉरी 2 गुना करेंगे, ठीक है? यानी कि 10, उसका 2 गुना कर दोगे त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। और वो 10 कौन से थे मैं बता देता हूं, पहले 5 तो ये, 5 तो आपकी यही हो गई, ये छोटे हैं जो, ठीक है? ये है, ये 5 तो आपके भार के हो गए, और जो वो 5 है वो 5 कौन से हैं? सबसे पहले एक नंबर को देखो आप, एक नंबर, एक त्रिभुज तो ये बना रहा है, ठीक है? एक ने ये त्रिभुज बनाया, ठीक, उसी तरह 2 ने भी ये त्रिभुज बनाया, फिर 3 ने भी इस तरह से बनाया, 3 का ये है, ठीक है? 4 का इस तरह से है, तो इसी तरह से 5, ठीक है? जितनी संख्या है उसका 2 गुना कर दोगे स्टार पे, सिर्फ स्टार पे, तो उसके त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। और मुझे लगता है त्रिभुज से जितने क्वेश्चन थे शायद कर चुके हैं, और इसके अलावा जो जो और हैं अभी वर्ग के अंदर हैं, वर्ग वाले हैं तो उनको भी करेंगे, तो जो इम्पोर्टेंट थे वो हो चुके हैं, और अभी और भी अगर कोई इम्पोर्टेंट होगा तो उसे जरूर बता दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।